हेलो स्टूडेंट्स आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ख़ास है क्योंकि इसमें हम हाईवे जोमेटिक्स के टॉप फिफ्टी एम को लेके आए हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम कम्पटिटिव एग्जाम जैसे एस एस सी डी एस एस बी एच एस एस सी गेट्स एंड डी एम आर सी के एग्ज़ाम में आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होंगी ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो फ़र्स्ट क्वेश्चन ए पार्ट ऑफ लैंड दैट इज़ एक्वायर्ड ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन इज कार्ड फ्यूचर में हम रोड का कितना एक्सपेंशन कर सकते हैं तो उसको नज़र में रखते हुए हम प्लानिंग करते हैं और एक्स्ट्रा रोड को रोड के साइड में हम स्पेस को एक्वायर करते हैं उसको ले लेते हैं तो उस पूरे लैंड को हम क्या बोलते हैं ये क्वेश्चन पूछा गया।, 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 गया है ये क्वेश्चन हमारा डी के ए के एग्जाम में भी पूछा गया है उसको बोलते हैं हम राइट ऑफ वे ठीक है राइट ऑफ वे चलिए सेकेंड क्वेश्चन फॉर डिज़ाइन ए होरिजोनटल कर्व द लेटल कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन एज पर आई आर सी आई आर सी ने जो हॉरिजोनटल कर्व को डिज़ाइन करते वक्त हम जो लेटर कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन को अज्यूम करते हैं वो लिया है जीरो पॉइंट वन फाइव ठीक है ऐसे ही होरिजोनटल कर्व को डिज़ाइन करते वक्त जब हम होरिजोनटल कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन को डिसाइड करते हैं तो उसकी भी रेंज बताई गई है वो होती है हमारी जीरो पॉइंट थ्री फाइव से जीरो पॉइंट फोर जीरो ये होती है रेंज हमारी जब हम होरिजोनटल कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन की बात करते हैं एज पर आई आर सी ठीक है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री द पेमेंट अन इवननेस इज मेजर बाई यूजिंग द इक्विपमेंट इज कॉल्ड पेमेंट की अन हम कैसे मेजर करते हैं उस इक्विपमेंट को हम क्या बोलते हैं वो होता है हमारा बम इंटीग्रेटर ठीक है इसको आप अच्छे से याद करना ये काफ़ी बार एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन फॉर ए गुड पेमेंट सरफेस ऑफ हाई स्पीड हाईवे द डिज़ायरेबल अनइवननेस इंडेक्स शुड बी ये आप देखिए ये होता है हमारा लेस देन वन फिफ्टी सेंटीमीटर पर किलोमीटर जो भी हमारा हाइव है वो अगर गुड क्वालिटी का है या फिर बैड क्वालिटी का है उसमें अनइवननेस कितना है तो उस पर डिपेंड करता है तो वो हमारा वन फिफ्टी सेंटीमीटर पर किलोमीटर से कम होना चाहिए ठीक है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव ये क्वेश्चन डी एस एस बी के ए के एग्जाम में पूछा गया है एज़ पर आई आर सी द रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ कैम्बर फॉर सीमेंट कॉन्क्रीट एंड हाई टाइप बिटोमिन सरफेस रेंज इज़ ये क्वेश्चन है हमारा वन इन फिफ्टी टू वन इन सिक्सटी ठीक है ये इसमें रेशो में इसको सॉल्व किया गया है अगर सेम क्वेश्चन हम परसेंटेज में बात करें ये देखिए सिक्स क्वेश्चन मैंने परसेंटेज में बात की है फॉर एन इमप्रीवियस पेमेंट सर्विस लाइक सीमेंट कॉन्क्रीट और बिटोमिनस कंक्रीट द वैल्यू ऑफ कैम्बर शुड बी ये है हमारा जीरो पॉइंट सॉरी वन पॉइंट सेवन टू टू परसेंट वन पॉइंट सेवन टू टू परसेंट ये बिल्कुल सेम है जैसे हमने फिफ्थ क्वेश्चन में बात की थी वन इन फिफ्टी टू वन इन सिक्सटी वैसे ही इसमें भी है ये वन इन फिफ्टी को हम टू परसेंट बोल सकते हैं और वन इन सिक्सटी को हम वन पॉइंट सेवन परसेंट बोल सकते हैं ठीक है इस बार इस क्वेश्चन के आने के चांसेस हैं चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन

ए सिंगल लेन रोड ये क्वेश्चन भी डी एस एस बी के ए में पूछा गया है तो इसका आंसर है थ्री पॉइंट सेवन फाइव मीटर ठीक है सिंगल लेन की रोड जो होता है उसको जो विर्थ होती है वो थ्री पॉइंट सेवन फाइव मीटर आई आर सी ने रिकमेंड किया है एज पर आई आर सी विथ्स ऑफ कैरीज वे ए टू लेन रोड विद रेज कर्ब्स जब कर्ब रेज हो तो उस टाइप उस केस में आई आर सी ने क्या रिकमेंड किया है वो होता है हमारा सेवन पॉइंट फाइव मीटर ठीक है अगर रेज़ कर्व नहीं होते तो उस केस में होता हमारा B, है? में है हमारा ऑप्शन नंबर बी ठीक है बट इसमें है हमारा ऑप्शन नंबर सी जब रेज़ कर्व होते हैं तो सेवन पॉइंट फाइव मीटर एज़ पर आई आर सी ऑफ कैरिज़ पे फोर मल्टी लेन रोड अगर काफ़ी सारे लेन हैं एक ही रोड पर तो उस केस में हर एक लेन की विथ कितनी होगी वो होती है हमारी फाइव पॉइंट फाइव मीटर एज़ पर आई आर सी द मिनिमम डिजायरेबल विड्थ ऑफ ए मीडियन मीडियन क्या होता है जो बीच में डिवाइडर होता है उसी को मीडियन भी बोलते हैं डिवाइडर भी बोलते हैं और सेपरेटर भी बोलते हैं ठीक है तो उसकी आई आर सी ने एक मिनिमम डिजायरेबल जो विड्थ है वो रिकमेंड की है वो कितनी है वो होती है हमारी फाइव मीटर ठीक है एज़ पर आई आर सी मिनिमम डिजायरेबल विड्थ ऑफ ए मीडियन वैन देयर इज ए लैंड रिस्ट्रिक्शन अगर वहाँ पे लैंड रिस्ट्रिक्शन है यानी कि अप एरिया है ठीक है तो उस टाइप में हम मीडियन की जो वेट्थ होती है उसको थोड़ा कम कर देते हैं और वो हो जाती है हमारी थ्री मीटर ठीक है एज पर आई आर सी द एब्सोल्यूट मिनिमम वेट्थ ऑफ मीडियन इन अर्बन एरिया अर्बन एरिया की बात करें तो एब्सोल्यूट मिनिमम यानी कि इससे कम कोई भी जो मीडियम की वेट हो वह नहीं होती है, तो वो होती है हमारी 1.2 मीटर एज पर आई आर सी द मिनिमम वेट ऑफ शोल्डर इज़ शोल्डर जो हमारे से रोड के रोड पेमेंट के साइड में होते हैं उसको बोलते हैं शोल्डर जिस पर हम कार को कुछ टाइम के लिए पार्क करते हैं कुछ इमरजेंसी टाइम में ठीक है तो उसकी वर्थ आईआरसी ने कितनी रिकमेंड की है टू पॉइंट फाइव मीटर व्हाट शुड बी द दर्थ तो पैरेलल पार्किंग लेन रोड के साइड में पैरेलल पार्किंग लेन की वर्थ कितनी होनी चाहिए थ्री मीटर ठीक है विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट अबाउट द लेवेज ले क्या होता है इसके लिए मैंने ये फिगर दी है फिगर में देखना ये जो हमारा पोर्सन है बस स्टैंड का इस तरफ बस आके और साइड में रुकती है और पैसेंजर उसमें चढ़ते हैं और वो कंफर्टेबली अपनी लेन में आके आगे ड्राइव करती है ठीक है इससे फ़ायदा क्या होता है हमें बीच जो ट्रैफिक है उस पर अपने व्हीकल को रोकना नहीं पड़ता और जो बाकी व्हीकल्स हैं जो वहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती तो इस स्पेस को बोलते हैं ले तो इसके लिए इन स्टेटमेंट्स में से कौन सा सही है वो बताया जाए ले बे सूट भी थ्री मीटर इन विथ थर्टी मीटर इन लेंथ विद फिफ्टीन मीटर टेपर एंड ऑन बोथ साइड ठीक है फर्स्ट केस ये है सेकेंड है हमारा ले बे सूट भी थ्री पॉइंट फाइव मीटर तो इसमें लेंथ है वो ट्वेंटी मीटर है और टेन मीटर का टेपर है ऑप्शन सी में है ले बे सूट भी टू पॉइंट फाइव मीटर इन विथ थर्टी मीटर इन लेंथ टेन मीटर टेपर एंड बोथ एंड तो ये इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट लेबे की जो विर्थ है वो तीन मीटर होनी चाहिए लंबाई उसकी तीस मीटर होनी चाहिए और दोनों तरफ एंड्स पे टेपर होना चाहिए पंद्रह मीटर का ठीक है तो ये थी हमारी लेबेस नेक्स्ट क्वेश्चन है टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट विद मूविंग व्हीकल द बस बे शुड बी लोकेटेड एट लीस्ट हाउ मैनी मीटर्स अवे फ्रॉम इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन यानी कि क्रॉसिंग है तो वहाँ पे वहाँ से हमारे जो बस बे है वो कितनी मीटर दूर होना चाहिए उसकी जो डिस्टेंस है वो होनी चाहिए हमारी सेवनटी फाइव मीटर द मिनिमम वेड ऑफ साइकिल ट्रैक साइकिल ट्रैक की मिनिमम वेड कितनी होनी चाहिए दो मीटर द मिनिमम वेड ऑफ फुटपाथ और साइड वाक सुड भी वन पॉइंट फाइव मीटर ठीक है हाफ वन पॉइंट फाइव मीटर ये है हमारा द फॉर्मेशन ब्रथ ऑफ नेशनल एंड स्टेट हाईवे ओन ए माउंटेनस ट्रेन फॉर टू लेन रोड टू लेन रोड है माउंटेन एरिया पे जिसमें हम नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे कंस्ट्रक्ट करेंगे तो फॉर्मेशन वेट रिकमेंड की है आई ने वो है एट पॉइंट एट मीटर द फॉर्मेशन ब्रर्थ ऑफ नेशनल हाईवे ऑन ए प्लेन एंड रोलिंग ट्रेन फॉर टू लेन रोड इसमें भी आई आर सी ने बताया है वो है हमारा ट्वेल्व मीटर वट शुड बी मिनिमम रोड वे विथ फोर सिंगल लेन ब्रिज अगर सिंगल लेन ब्रिज है तो उसके लिए हमारी जो रोड की विथ कितनी होनी चाहिए वो होनी चाहिए फोर पॉइंट टू फाइव मीटर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू देयर लेंथ लेंथ के अकॉर्डिंग इन सबको एक असेंडिंग ओडिंग यानी कि बढ़ते क्रम में लिखो इसमें ऑप्शन है वे फॉर्मेशन विर्थ एंड राइट ऑफ वे इसमें जो भी सबसे बड़ा है लेंथ में उसको हम सबसे आखिर में रखेंगे फर्स्ट पे रखेंगे जिसमें सबसे लेंथ कम होगी तो सबसे कम लेंथ इसमें है हमारी वे की फिर है फॉर्मेशन विर्थ थर्ड है हमारा राइट ऑफ वे ठीक है तो ये बढ़ते क्रम में कौन से ऑप्शन में है कैरिज वे फॉर्मेशन विथ राइट ऑफ वे ये तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल राइट right है बाकी सारे हमारे ऑप्शन गलत हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू देयर लेंथ ये भी सेम क्वेश्चन है इसमें ऑप्शन अलग अलग है बिल्डिंग लाइन कंट्रोल लाइन एंड रोड बाउंड्री जिसकी लेंथ सबसे कम है उसको हम फर्स्ट लेंगे तो इन सब में हमारा जो सबसे कम लेंथ है वो होती है हमारी रोड बाउंड्री रोड बाउंड्री लेंथ सबसे कम होती है उसके बाद होती है हमारी बिल्डिंग लाइन और सबसे लास्ट में होती है कंट्रोल लाइन तो इनको हम रोड बाउंड्री सबसे पहले किस में है रोड बाउंड्री ऑप्शन सी रोड बाउंड्री बिल्डिंग लाइन एंड कंट्रोल लाइन ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट right आंसर है नेक्स्ट हमारा व्हाट शुड बी द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग लाइन एंड रोड बाउंड्री रोड बाउंड्री जो होती है और बिल्डिंग लाइन उसके बीच में मिनिमम डिस्टेंस हमारी कितनी होनी चाहिए उसको सेटबैक भी बोलते हैं वो होनी चाहिए हमारे तीन से पाँच मीटर वट इज़ द रेंज ऑफ रोड लैंड विद फॉर नेशनल एंड स्टेट हाईवे इन प्लेन बिल्टअप एरिया प्लेन बिल्टअप एरिया में कितनी होनी चाहिए थर्टी टू सिक्सटी मीटर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फॉर द कैलकुलेसन ऑफ स्टोपिंग साइड डिस्टेंस आई आर सी हैज रिकमेंडेड द हाइट ऑफ आई लेवल ऑफ ड्राइवर एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अबो द रोड सरफेस इज़ तो जो ड्राइवर है उसकी आँख का लेवल और सामने जो ऑब्जेक्ट पड़ा है उसको उसकी जो टॉप हाइट होती है उनका रिकमेंडेशन किया है आईआरसी ने तो वो कितनी होनी चाहिए वो होनी चाहिए हमारी वन पॉइंट टू मीटर एंड जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वो होनी चाहिए हमारी जीरो पॉइंट वन फाइव मीटर ठीक है ये क्वेश्चन हमारा एसएससी एस जेई में पूछा गया है ठीक है उसमें हमारा ये पूछा था बस ड्राइवर की हाइट कितनी होनी चाहिए पर इसमें मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है जो कि ऑब्जेक्ट की हाइट है वो ये है ज़ीरो पॉइंट वन फाइव मीटर इस बार ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस आई आर सी हैज़ रिकमेंडेड द वैल्यू ऑफ रिएक्शन टाइम आई आर सी ने रिएक्शन टाइम की वैल्यू को भी रिकमेंड किया है वो है हमारी टू पॉइंट फाइव सेकेंड यानी कि ढाई सेकेंड हमारा रिएक्शन टाइम होगा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट एक्सप्रेशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हमारा राइट right एक्सप्रेशन क्या होगा ऑप्शन नंबर बी वी टी प्लस वी स्क्र बाई टू जी एफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट रिलेशन बिटवीन द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस एंड इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस ये क्वेश्चन हमारा डी एस एस बी में पूछा गया है ए के एग्जाम में तो इसके लिए राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा ऑप्शन नंबर सी इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ठीक है वो उसके दो गुना होता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रोलिंग ग्रेडियंट लिमिटिंग ग्रेडियंट एंड एक्सेप्शनल ग्रेडियंट इसमें ग्रेडिंग की ग्रेडियंट की वैल्यू पूछी गई है रोलिंग लिमिटिंग एंड एक्सेप्शनल ग्रेडिएंट जो कि है ऑप्शन नंबर बी सिक्स परसेंट है हमारी रूलिंग ग्रेडिएंट लिमिटिंग ग्रेडिएंट है सेवन परसेंट एंड एट परसेंट हमारी एक्सेप्शनल ग्रेडिएंट और मैक्सिमम वैल्यू नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर कैलकुलेशन ऑफ ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस इफ द स्पीड ऑफ ओवरटेकन व्हीकल इज नॉट गिवन दैन वट इज़ द अजम्पन टेकन फॉर द स्पीड ऑफ ओवरटेकन व्हीकल इफ़ द स्पीड ऑफ ओवरटेकिंग व्हीकल वी इज़ इन किलोमीटर पर आवर इसमें क्या बताया गया है अगर हम ड्राइव कर रहे हैं हमारा व्हीकल है ओवरटेकिंग व्हीकल और सामने वाला व्हीकल है ओवरटेकन व्हीकल तो उसको हम अगर उसकी व्हीकल की स्पीड हमें पता करनी है तो उसको हम एज्यूम करते हैं वो कितनी होती है अगर हमारी स्पीड किलोमीटर पर आवर में है ठीक है तो उसका राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर सी टी ऑफ ओवरटेकिंग व्हीकल माइनस सिक्सटीन ये हो जाएगा हमारा स्पीड ऑफ ओवरटेकन व्हीकल सेम क्वेश्चन है अगर वेलोसिटी को हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर देते हैं तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर ए वेलोसिटी माइनस फोर पॉइंट फाइव यह हो जाएगा हमारा मीटर पर सेकंड में आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट एक्सप्रेशन फॉर कैलकुलेसन ऑफ ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस वैन नो व्हीकल इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द अपोजिट साइड ये थोड़ा सा स्पेशल केस है इसमें हम सामने से जो हमारा व्हीकल आ रहा है उसको हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं तो इस केस में हमारा जो ओ एस डी क्या हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी ऑप्शन नंबर ए ये हमारा जो एक्सप्रेशन है ये है राइट right आंसर अगर हम ओवरटेकिंग जो अपोजिट साइड से व्हीकल आ रहा है उसकी डिस्टेंस भी कंसिडर करते तो हमारा राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी ठीक है इसमें ये वाली हमारी जो डिस्टेंस है ये हमने इसमें ऐड नहीं की है क्योंकि इसमें हमने जो सामने से विकल आ रहा है उसकी डिस्टेंस को कंसीडर नहीं किया है ठीक है अगर कंसीडर करते हैं तो ऑप्शन सी हमारा राइट right आंसर होता नेक्स्ट क्वेश्चन है एज़ पर डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन द मिनिमम लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन ओवरटेकिंग जोन की मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए एज पर डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन ये होनी चाहिए थ्री टाइम्स द सेफ ओवरटेकिंग डिस्टेंस तीन गुना ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस है उसकी तीन गुना ठीक है बट अगर हम बात करें ये डिज़ायरेबल कितनी होनी चाहिए यानी कि एक्चुअल में कितनी होनी चाहिए ये होनी चाहिए हमारी फ़ाइव टाइम्स ठीक है फाइव टाइम्स है हमारी डिज़ाइरेबल बट अगर कुछ प्रॉब्लम है कुछ एक्सेप्शनल केस हैं तो मिनिमम हमारी थ्री परसेंट सॉरी थ्री टाइम्स तो होनी ही चाहिए फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस द वैल्यू ऑफ हाइट ऑफ आई लेवल ऑफ ड्राइवर एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज टेकन एज वन पॉइंट टू मीटर ठीक है वन पॉइंट टू मीटर अगर इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस की बात करें तो आई लेवल ऑफ ड्राइवर एंड ऑब्जेक्ट जो हाइट है उन दोनों का हम सेम लेते हैं वन पॉइंट टू मीटर ठीक है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशन टू फाइंड आउट सुपर एलिवेशन सुपर एलिवेशन को पता करने के लिए रिलेशन है वो होता है हमारा ई प्लस एफ बाय सेवन आर आर है इसमें रेडियस V है हमारी वेलोसिटी, ई सुपर एलिवेशन एंड एफ है कॉफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशन टू फाइंड आउट इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन इसमें ये मेंशन किया है तो ये हम जब कंसीडर करते हैं जब हमारा कोफ़िशियंट ऑफ फ्रिक्शन यानी कि एफ़ की वैल्यू इसमें होती है ज़ीरो ठीक है तो एफ़ की वैल्यू हम जीरो पुट कर देते हैं लास्ट एक्सप्रेशन में तो क्या आ जाएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा होगा राइट आंसर एफ़ की वैल्यू इसमें जीरो पुट कर दी और बाकी एज इट इज़ नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर आई आर सी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन फॉर द प्लेन एंड रोलिंग टेरेन आई आर सी ने सुपर एलिवेशन की वैल्यू भी रिकमेंड की है जो कि है सेवन परसेंट प्लेन एंड रोलिंग के केस में नेक्स्ट है एक्स्ट्रा वेट तो इज प्रोवाइडेड टू अ रोड कर्व व्हेन द रेडियस ऑफ कर्व इज मोर देन वन फिफ्टी लेस देन वन फिफ्टी मोर देन थ्री हंड्रेड मीटर लेस देन थ्री हंड्रेड मीटर तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी ठीक है जब रेडियस ऑफ कर्व 300 मीटर से कम है तो उस केस में हम जो एक्स्ट्रा वेट है कर्व पे वो प्रोवाइड करवाते हैं अदरवाइज़ हम प्रोवाइड उसको नहीं करवाते ठीक अगर 300 मीटर से ज़्यादा है तो प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है तीन मीटर से कम है तो उसमें हम एक्स्ट्रा वेट प्रोवाइड करवाते हैं ठीक है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज आइडियल ट्रांजिशन कर ये भी डीएसएस बी के जे के एग्जाम में पूछा गया आइडियल ट्रांजिशन कर कौन सा होता है तो वो होता है हमारा स्पाइरल और क्लोथोइड कर ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री द लेंथ ऑफ समिट कर वेन इट इज ग्रेटर देन ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस समिट कर की लेंथ कितनी होगी जब उसकी लेंथ ओवरटेकिंग साइड डिफेंस से ज़्यादा होती है तो उस केस में हमारा जो आंसर होता है वो होगा ऑप्शन नंबर सॉरी ये बी है ऑप्शन नंबर बी है ये हमारा राइट आंसर एल इज टू एन एस स्क्र डिवाइड बाई नाइन पॉइंट सिक्स ये होगा हमारा लेंथ ऑफ कर नेक्स्ट द लेंथ ऑफ सेग कर व्हेन इट इज ग्रेटर देन स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस जब स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस से बड़ा है तो सेक कर क्या होता है वैली कर तो इसकी लेंथ क्या होगी ऑप्शन नंबर बी एल इजल टू टू एस प्लस ब्रैकेट वन पॉइंट फाइव प्लस जीरो जीरो पॉइंट जीरो थ्री फाइव इंटू एस डिवाइड बाई एन ये हमारा राइट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है, है एक्स्ट्रा वाइडनिंग ऑफ पेमेंट प्रोवाइड बिकॉज ऑफ ऑफ ट्रैकिंग इज नोन एज ऑफ ट्रैकिंग की वजह से जो हम एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं ये एस एस में पूछा गया क्वेश्चन है उसको बोलते हैं हम मकैनिकल वाइडनिंग नेक्स्ट हमारा ए लेटरल शिफ्ट इन ट्रांजिशन कर्व इज गिवन बाय ये क्वेश्चन भी एस एस में पूछा गया है लेटरल शिफ्ट जो ट्रांजिशन कर्व में हम प्रोवाइड कराते हैं वो कितना होता है एल स्केयर बाई ट्वेंटी ठीक है एल स्क्र बाई ट्वेंटी नेक्स्ट है द राइजिंग ऑफ आउटर एज ऑफ पेमेंट विद रेस्पेक्ट टू इनर एज इज़ नोन एज य सी में पूछा गया क्वेश्चन है ठीक है तो जब आउटर एज को हम राइज करते हैं उठा देते हैं ऊपर विद रेस्पेक्ट टू इनर एज तो उसको हम क्या बोलते हैं सुपर एलिवेशन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ चेंज ऑफ ये क्वेश्चन भी एस में पूछा गया है तो इसका राइट आंसर है सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। लेंथ ऑफ ट्रांजिशन का डिपेंड करती है सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन पे नेक्स्ट हमारा द रूलिंग मिनिमम रेडियस ऑफ कर फॉर डिज़ाइन स्पीड इन किलोमीटर पर आवर इज़ गिवन बाय अगर रूलिंग मिनिमम रेडियस की बात करें तो हम उसको फाइंड आउट करते हैं इस रिलेशन से यानी कि ऑप्शन नंबर जो हमारा लास्ट ऑप्शन है डी ये है हमारा आर रेडियस जो है वी है हमारा विलोस्टी ई e है हमारा सुपर एलिवेशन एंड एफ है हमारा कोपिशेंट ऑफ फ्रिक्शन नेक्स्ट है हमारा ये लास्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ रेस्ट कैम्बर इज नोन एज कैम्बर का जो सबसे ऊपर का पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं हम क्राउन ऑप्शन नंबर सी क्राउन ठीक है ये थे हमारे टॉप फिफ्टी क्वेश्चन इसमें हमने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी कवर किया है और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी कवर किया है ठीक है रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस रिवीजन करते रहो और आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी ठीक है बिना रिविज़न के आप कभी भी कुछ भी अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाते आप एक बार उसको पढ़ोगे फिर भूल जाओगे तो रिविज़न इज़ द ओनली की टू सक्सेस ठीक है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें आगे ऐसी ही वीडियो मैं काफ़ी लेके आने वाला हूँ ठीक तो है थैंक यू फॉर वॉचिंग हैव ए गुड डे